ओरिकॉन ओरिकॉन एंटरप्राइजेस, मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये असल एनएससी में भी है। फ्रेश एंट्री के कहीं लेवल्स दिखते हैं क्या? तो ओरिएंट कंस्ट्रक्शन से है आपका? नहीं सर, ओरिकॉन एंटरप्राइजेस, ORICON। यस सर, मिल गया। मैं कुछ अपनी स्टडीज डिप्लॉय कर रहा हूँ सर उसके ऊपर। हाँ जी। 28.25 रुपए का है, इधर पिछले कुछ समय में तो कमजोरी आई है, आगे का रास्ता कैसा दिखता है? और जो सवाल है वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो कमजोरी है क्या ये एंट्री का मौका है? सर ये डेफिनेटली एक एंट्री का तो मौका नहीं रहेगा सर। जिस तरीके से RSI में डाइवर्जन देखने मिला है, इसके अंदर जो निगेटिव डाइवर्जन है, अगर थोड़ा सा अगर स्पेसिफिकली अगर हम इसके अंदर जाए तो मैं कुछ रिट्रेसमेंट प्लॉट करना चाहूंगा। आप मुझे एक मिनट का समय दीजिए सर। सर जो भी रिट्रेसमेंट की जो गोल्डन रेशियोज होते हैं सर, वो 38.20, 50 और 61.80 के आसपास के, ये तीनों ही लेवल्स इसने ब्रेक कर दिए हैं ऊपर की लेवल से। अब मैं ये बताता हूँ आपको कि ये किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। हम लोगों ने इसके अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव देखी थी 26.40 रुपए के लो के बाद में, जून के महीने में, 20 जून से लेकर 39.95 रुपए तक, सॉरी 40.15 रुपए तक 25 अगस्त का इसका हाई है। तो ये जो मूवमेंट है कि ये 2 महीने की जो मूव है वो अपने आप में एक सिग्निफिकेंस दिखाती है। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट अगर कहीं पे भी होना था इसका, तो पहली लेवल, दूसरी लेवल और तीसरी लेवल पे कहीं पे भी रिट्रेस के कहीं पे भी साइंस दिखे नहीं है। कंटिन्यूअस डाउनफॉल दिख रहा है, उसी दिन से कंटिन्यूअस डाउन दिख रहा है ये स्टॉक। डेली चार्ट्स के ऊपर RSI निगेटिव डाइवर्जन दे रहा है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और जो लोग एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, अगर जिनको बाय करना है, देखिए मेरी बात ध्यान से सुन लेना, एग्रेसिव भी है और बाइंग करना है उनको, तो वो 30.60 रुपए के ऊपर डेली क्लोज आने के बाद में ही बाइंग करना है। उसके पहले ये स्टॉक और भी नीचे की लेवल्स दिखा सकता है। अगर ये 25-24 रुपए तक नीचे में आता है तो इसके लेवल्स वापिस दोबारा चेंज हो सकते हैं। अगर यहां से अगर मूवमेंट अगर ऊपर की पकड़ लेता है, रफ्तार अगर ऊपर की पकड़ लेता है, तो 30.60 रुपए के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज होने के बाद में इसको बैंक कर दीजिए। ये है ओरिकॉन एंटरप्राइजेस, पंकज जी की राय।